to a savage. नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है आपके चैनल टेक ब्रदर्स में, जिसमें हम आपके लिए रोज नई नई वीडियोस लेके आते रहते हैं। आज हम लेके आए हैं आपके लिए फोर्ट्रॉन का P10 वायरलेस स्पीकर, जो कि देखने में तो बहुत ही छोटा है, लेकिन इसकी बहुत अच्छी आवाज है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस स्पीकर की अनबॉक्सिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने, ये कितनी शानदार पैकिंग में आपको ये स्पीकर दिया जाता है। जैसे कि आपको जूम करके दिखाया जा रहा है कि ये देखिए, इसमें आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है स्पीकर में। चलिए ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इस बॉक्स को अनबॉक्स करना शुरू करते हैं और देखते हैं प्रोडक्ट कैसा है। तो ये हमारा स्पीकर है, इसको अभी हम साइड में रख देते हैं। अभी हम देखते हैं कि बॉक्स में क्या क्या दिया गया है हमको। तो ये कंपनी ने केबल प्रोवाइड करी है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि ये केबल कैसे यूज होती है। और एक ये यूजर मैनुअल प्रोवाइड करी है, जिसकी मुझे लगता है कि आपको कुछ ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम आपको इसके बारे में सब बता ही देंगे। तो चलिए अब इसके बॉक्स को वापस साइड में रखते हैं और देखते हैं कि स्पीकर हमें कैसा है दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्पीकर है, इसमें यहाँ पे भी कंपनी का नाम लिखा हुआ है फोर्ट्रॉन। और इसकी आप बिल्ड क्वालिटी देखिए, एकदम पूरा मेटल है। और इसकी डिजाइन, इसका कलर्स, इसका वेट ज्यादा होने में सबसे अच्छी चीज ये है कि जो आप म्यूजिक सुनते समय जो म्यूजिक लवर्स हैं, वो सबसे ज्यादा बेस पसंद करते हैं म्यूजिक में, जो उनको बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा। जो हमने इस स्पीकर को मंगाया, इसको यूज करके देखा, तो हमें भी बहुत अच्छा फील हुआ, इसीलिए आपको बता रहे हैं कि ये स्पीकर आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि इसकी केबल में आपको क्या क्या फीचर दिए हुए हैं। देखिए, वैसे तो इसमें बताया गया है कि आपको ये जो स्पीकर है वो आपको रेडियो FM की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और उसकी केबल की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप इसी केबल से स्पीकर को चार्ज भी कर सकते हैं। और चलिए देखते हैं कि ये स्पीकर, ये आप देख सकते हैं कि ये एक सिंगल स्पीकर है, एक सिंगल कॉर्ड है, और इसमें आपको दो इसमें वो दे रखे हैं इन्होंने, जिसमें कि एक कॉर्ड आपकी ऑक्स की है और दूसरी कॉर्ड आपकी जो आपकी चार्जर से कनेक्ट हो जाएगी, लैपटॉप से कनेक्ट हो जाएगी, जिससे कि आप स्पीकर को चार्ज कर सकें। वैसे तो इस स्पीकर की बैटरी लाइफ टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें 400 mAh की बैटरी दी हुई है। तो अगर आप इस स्पीकर को फुल चार्ज करते हैं, तो मेरे ख्याल से आपका ये स्पीकर 4 to 5 hours तो लास्ट करता ही करता है, इसकी फुल वॉल्यूम खोलने के बाद भी। तो इसमें नीचे कुछ बटन दिए हुए हैं छोटे छोटे, जिनसे इस स्पीकर को हम ऑन कर लेंगे। और आपको चलिए सुनाते हैं इस स्पीकर की आवाज। तो आप देख सकते हैं आपने देखा कि जैसे मैंने स्पीकर को ऑन किया, इसमें इसने बोला पावर ऑन ब्लूटूथ मोड, मतलब ये बता रहा है कि आपका स्पीकर जो है वो ब्लूटूथ मोड में है। और जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं कि एक बहुत ही शानदार ब्लू कलर की एक बहुत ही क्लासिकल लाइट आपको स्पीकर प्रोवाइड करी हुई है, जिससे कि आप अगर म्यूजिक रात के अंधेरे में सुनते हैं या दिन में सुनते हैं, तो ये कितनी अच्छी सी एक ब्लू लाइट है जो डिनोट कर रही है कि आपका स्पीकर ब्लूटूथ है। तो चलिए हम इस स्पीकर को अपने फोन से कनेक्ट करते हैं। जैसे ही हम अपना ब्लूटूथ ऑन करेंगे, क्योंकि ये हमारे फोन से पहले से पेयर्ड है, तो ये कनेक्ट हो जाएगा और आपको ये बताएगा कि पेयर्ड। ये कुछ टाइम लगा रहा है, 1-2 मिनट का। ये देखिए, ये स्पीकर अब कनेक्ट हो चुका है। तो हम पहले तो क्या करेंगे कि इसमें नीचे जो बटन्स दिए हुए हैं, इससे हम इसकी वॉल्यूम फुल कर देते हैं। एक ये देखिए, वॉल्यूम जब फुल हो जाती है तो इस तरीके की एक आवाज आती है, इस तरीके की एक आवाज आती है, जिससे ये पता चलता है कि इसकी वॉल्यूम फुल हो चुकी है। तो अगर हम अब इसमें एक छोटा सा कोई भी सॉन्ग प्ले करेंगे, वैसे हम सॉन्ग ज्यादा देर तो प्ले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूट्यूब पे कॉपीराइट इशू हो जाता है। तो हम थोड़ी देर के लिए आपको सॉन्ग प्ले करके दिखाते हैं कि कैसी इसकी आवाज है। आपने देखा कि इसकी इसमें बेस कितना अच्छे से आ रहा था, और मतलब आप फील कर सकते हैं जब स्पीकर में आवाज सुनते हैं।
तो आप फील कर सकते हैं कि इसमें बेस कितने अच्छे से आता है। और इसमें जो बाकी मोड्स हैं उसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि आप इसमें कैसे उस मोड्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको भी वीडियो में थोड़ी देर पहले बताया था कि इसमें आपको इस स्पीकर में आपको रेडियो की फैसिलिटी दी जाती है, तो ये जो आपको केबल दी गई है इसमें आपके रेडियो कनेक्टर दिया हुआ है, तो जो आप इस केबल को लगाएंगे तो ही आप रेडियो यूज कर सकते हैं। बिना केबल के आप इसमें रेडियो का यूज नहीं कर पाएंगे, ये एक थोड़ा सा मेरे ख्याल से ड्रॉबैक है। लेकिन वैसे जब ब्लूटूथ स्पीकर आपको दिया गया है तो आपको मेरे ख्याल से रेडियो की कोई भी जरूरत नहीं होगी। लेकिन चलिए आपको एक बार दिखा देते हैं कि आप इसको ऑक्स मोड पे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप जैसे कि स्पीकर में ये देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको पॉइंट दिया गया है, एक स्लॉट दिया गया है जहां पे ये केबल आपकी कनेक्ट हो जाएगी इस तरीके से। ये देखिए हमने केबल को इंसर्ट कर दिया है इसमें, और अब हम स्पीकर को, इसमें एक बटन दिया गया है इसमें एम लिखा हुआ है, वहां से आप इसका मोड चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा इसमें से आवाज आएगी, ब्लूटूथ मोड, ऑक्स मोड एंड काइंड्स ऑफ मोड जो इसमें दिए हुए हैं, ये देखिए ऑक्स मोड। जैसे कि आपने देखा मैंने ऑक्स मोड को सिलेक्ट किया है तो इसमें एक बार लाइट जली और इसमें बताया ऑक्स मोड। अब देखिए मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है वापस से, और मैं इसकी इस केबल को अपने फोन से कनेक्ट करता हूँ, कनेक्ट हो चुका है। और मैं जब यहाँ से प्ले करूंगा वही चीज है, मैं ज्यादा देर म्यूजिक नहीं प्ले कर सकता आप को सुनाने के लिए, लेकिन मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि एक छोटे स्पीकर के हिसाब से इसकी वॉइस क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। जैसे कि आप सुन सकते हैं फिर से एक बार कुछ सेकंड्स के लिए, अभी ऑफ पे है इसलिए मुझे जैसे कि आपने देखा कि इसकी वॉइस क्वालिटी ऑक्स मोड पे और भी क्लियर हो जाती है। जैसे कि आप सबको पता है कि वायर्ड में और वायरलेस में कुछ तो डिफरेंस होता ही है, तो इसकी ऑक्स पे क्वालिटी और भी इम्प्रूव हो रही है स्पीकर की। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अकेले में म्यूजिक सुनना चाहते हैं तो बेस्ट स्पीकर है आपके लिए छोटे से में। वैसे तो लैपटॉप से भी ये कनेक्ट कर सकते हैं आप, इसमें एक मेमोरी कार्ड भी लग जाता है छोटा सा, तो उसमें आप अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है मोबाइल नहीं है तो आप छोटा सा मेमोरी कार्ड मार्केट से खरीद सकते हैं, उसमें आप म्यूजिक लोड करके उसको लगा सकते हैं तो भी आप इससे म्यूजिक सुन सकते हैं आराम से। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मैंने ये स्पीकर मार्केट से कितने का खरीदा था। तो वैसे तो इसकी जो एमआरपी है वो वैसे तो क्या कहते हैं 1500 की इन्होंने दी हुई है बॉक्स जो प्रिंटेड है, लेकिन मैंने लाइटनिंग डील आई थी अमेजन पे उस समय, तो मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज में खरीदा था। लेकिन फिर से लाइटनिंग डील खत्म होने के बाद आज ये स्पीकर आपको अमेजन पे 990 रुपीज का बिल मिल जाएगा, जिसकी लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आप वहां पे जाके उस पे लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। और इस स्पीकर में एक बहुत ही अच्छा फीचर है जिसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपका फोन इस स्पीकर से कनेक्टेड है ब्लूटूथ मोड पे, तो आप जैसे कि अदर ब्लूटूथ डिवाइसेस होती हैं, हेडफोन्स होते हैं, तो उसमें आप बात कर सकते हैं फोन से अपने, तो इसमें एक इनबिल्ट माइक भी दिया हुआ है जो कि बहुत ही अच्छी चीज है, जो कि इस रेंज के स्पीकर में बहुत ही कम कंपनीज देती हैं इस बिल्ट क्वालिटी के साथ, इतनी अच्छी क्वालिटी हैवीनेस के साथ, कि आपको एक वो माइक भी दे रही है जिससे कि आप अपने फोन से इसमें बात कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको मान लीजिए कभी भी कॉन्फ्रेंस कॉल करनी है 4-5 लोगों के साथ बैठ के, तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम आपके लिए ऐसी वीडियोस रोजाना लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।